जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना है आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, बैल बटन को ज़रूर दबाएँ। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा, हाउ टू अट्रैक्ट, हम सामने वाले को कैसे अट्रैक्ट करें। हर इंसान को भगवान ने बहुत सारी पावर दी हुई है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, आज मैं कोई आपको वशीकरण नहीं सिखाने वाली हूँ, ना ही वो मुझे आता है, और ना ही मैं आपको कोई मंत्र देने वाली हूँ कि कैसे हम सामने वाले को अट्रैक्ट करें, कि ये पुड़िया बना दीजिए इससे वो अट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ मैं नहीं सिखाने वाली हूँ। मैं आपको आपसे मिलवाने के लिए आई हूँ। आप यूनिक हैं, आप बहुत पावरफुल हैं, आपके जैसा कोई है ही नहीं, इसलिए मैं आज आपको आपसे मिलवाने के लिए आई हूँ। ज़िंदगी के अंदर हम हमेशा दूसरों के लिए जीते रहते हैं। दूसरा किस चीज़ को पसंद करता है, किस चीज़ को नहीं पसंद करता है, सिर्फ उसकी ही खुशियों के लिए हम जीना शुरू कर देते हैं। जब हम उसकी खुशियों के लिए जीना शुरू कर देते हैं तो सामने वाला फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। हम उसके हिसाब से कपड़े पहनते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं, उसके हिसाब से बात करते हैं, उसको जो पसंद है वही हम करते हैं। और ख़ासकर ये कब होता है, जब आप अफेयर के अंदर होते हैं, लव के अंदर होते हैं। बहुत सारे मेरे पास में क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि मैम पहले वो मुझे बहुत प्यार करता था, अब उसने मुझे छोड़ दिया है, मैं डिप्रेशन के अंदर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बहुत सारी चीज़ें। क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आप को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आप यूनिक हैं, आप अद्भुत हैं, आपके पास में बहुत सारी पावर है। जब हम प्यार के अंदर होते हैं तो शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा हो रहता है, सब जैसे वो कह रहा है वैसे चलना शुरू कर देते हैं। थोड़े टाइम के बाद में सब कुछ ख़त्म होना शुरू हो जाता है, और जब वो ख़त्म होता है तब हमारे को ये रियलाइज़ होता है कि हम तो किसी काबिल ही नहीं रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हम तो ये नहीं कर सकते, हम तो वो नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं आपको आपसे मिलवाने के लिए इसलिए आई हूँ कि आप यूनिक हैं, आप पावरफुल हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। क्यों हम सामने वाले को अपना रिमोट देते हैं? जिस तरीके से हम टीवी देखते हैं, टीवी के अंदर कोई प्रोग्राम हमें नहीं पसंद आता है तो हम चैनल चेंज करते रहते हैं, तो उसी तरीके से आपने अपना रिमोट सामने वाले को दे दिया है। अब वो अपने हिसाब से आपको चला रहा है। आप अपने आप को पहचानिए, अपनी रिस्पेक्ट करिए, रिस्पेक्ट यूर सेल्फ, फेथ यूर सेल्फ, टेक टाइम फॉर यूर सेल्फ। आप अपने लिए टाइम ही नहीं निकालते हैं। आपको पढ़ना पसंद है, आपको घूमना पसंद है, आपको शॉपिंग जाना पसंद है, आपको तैयार होना पसंद है, तो अपने लिए टाइम निकालिए। जब आपको ये लगता है कि सामने वाला आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तब आप क्या करें? आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो चीज़ें आप सामने वाले के लिए कर रहे थे कि उसकी खुशी के लिए हम ऐसा कर देते हैं, उसकी खुशी के लिए हम ये करें, उसकी खुशी के लिए हम ये करें, जो दूसरे की खुशी के लिए आप कर रहे हैं ना, वो आप अपनी खुशी के लिए करिए। आप खुद तैयार होइए शीशे के आगे, जो भी है कि आप बहुत सुंदर हैं, आपके अंदर बहुत पावर है, आप जहाँ भी जाते हैं आप सामने वाले को अट्रैक्ट कर लेते हैं। जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, अपने लिए अपने आप से प्यार करना शुरू कर देंगे, अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, तो आप देखेंगे दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपकी रिस्पेक्ट ना करे। आप अपने आप के अपने लिए टाइम निकालिए। अपने लिए टाइम कैसे निकालेंगे आप? जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, आपको अपने आप को सजना संवरना अच्छा लगता है, तो वो सब चीज़ें करिए। आप थोड़े दिन के लिए, जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, जो आपको देखना पसंद नहीं करता, जो आपको कॉल नहीं कर रहा है, आप क्या करें? जो चीज़ें आप उसके लिए कर रहे थे ना, उसकी खुशियों के लिए कर रहे थे ना, अपनी खुशियों के लिए करना शुरू कर दीजिए, अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए। आपने देखा होगा कि कितने कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको देख करके हमें लगता है वाओ ये तो बहुत बहुत ग्रेसफुल हैं और बड़ा एरोगेंट है इनके अंदर। तो अपने अंदर एरोगेंट लेकर के आइए, थोड़ा सा अपने आप को, अपने लिए इम्पोर्टेंस कि आप कुछ हैं, इजी मत हो जाइए हर एक के लिए। तो इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान करते हैं, इन सब चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी के अंदर लेना शुरू कर देते हैं,
तो देखिए आप सामने वाला आपकी तरफ कैसे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। जब आप थोड़ा सा दो कदम पीछे हट करके अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे ना, तो सामने वाला आपके पीछे पीछे आना शुरू कर देगा। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। अपने आप से प्यार करिए। अपने आप से प्यार करेंगे तभी सामने वाला आपको प्यार करेगा। समाज के लिए ज़रूर अच्छा काम करिए, और साथ में एक काम जो हमेशा हमारे को करना चाहिए, अपने कर्मों को अच्छा करिए। जो आप कर रहे हैं अपने कर्मों को अच्छा करिए, वही आपका भविष्य बनेगा। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। जय श्री राम।